ser, va a ser. अच्छा बाबूजी, मैं भोजपुरी बिरहा गायिका सपना सरगम और आरसी राजा तलाव से हर्षोश गांव से संगीत स्टूडियो सतीश राय के देख रेख में हम आप लोग के बीच में एक वीर रसिक बिरहा भेज रही हूँ। पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के बिरहा पसंद आएगा और वैसे ही प्यार दुलार सम्मान इस सपना सरगम गायिका के मिली। बस ये चाहो मोबाइल नंबर हो 97-93-52-58-04 9005658014 यही नंबर है। कहना हो भूमिका है मास्टर तो कसा जाता है, तो कसा जाता है जब कसौटी पर सोना, अरे आ जाती है सावन जब गुणवत्ता आजादी का एक छड़ी सुहा सत्ता बदारी से बंदर में संसार सारा बदतर है सबसे गुलामी का बंधन। बेर हम ज्यादा देखो रगड़ खा के आखिर उगल देता यागी जमाने में चंदन। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर ये बात कहवा के हो, कैसी कहानी है हम बता रहे हैं आप लोग के बीच में। क्या गजल में कहना है मास्टर? वो एक गजल हो, बड़ा मशहूरी गजल हो अपने बनारस जिला के। अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलावा काशी में ना जा रहा है। तो प्यारा है
लेकिन बड़ी ऊंची बात कवि जी संकेत किए हैं मास्टर भाव में। अरे बीरो अरे बीरो जिगरा ज्वाला खूना खारा जवानिया करेंगे बाबूजी। हमारे हिंदुस्तान में हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर जवान पहलवान पड़े हुए हैं जो कि वक्त आने पर समय आने पर अपने सर को कटा देते हैं तिरंगे के नीचे खड़ा होकर के जीने मरने का कसम खाते हैं अपने देश के लिए धरती माँ के लिए यही करते हैं। लेकिन जौहरी में कहना है हार के अब जिंदगी बहुत हो लड़ाई करके। ये भैया कहानी पर गौर करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर मशहूर जौनपुर जिला। अरे बाबू आप लोग जब जौनपुर जाइबा लखनऊ वाले रोड पर जहाँ की धनिया मऊ बतावल जले सिंगरा मऊ और धनिया मऊ पास मऊ और वही सिंगरा मऊ के रहे वाला राजा हरिपाल सिंह कुश्ती का बहुत शौकीन हुवन कुश्ती का बहुत दीवाना हुवन बहुत दिल में चाहो जोनी समय कुश्ती करे कुश्ती लड़े भैया दिखवैया लोग दाते अंगूरी दबावा चारों तरफ विषय का चर्चा हो गया।
कि जौनपुर का पहलवान बड़ा मशहूर पहलवान बा, दिल में बहुत चाबा कि भगवान एक कहू लाल दे दे हम कहू है सिखाए जोर हमके पसंद हम। सन 1918-29 जुलाई के एक सुंदर बेटवा जन्म लेलन। जब बेटवा के उम्र कुछ दिन बीतल बा तब बाबू हरिपाल सिंह ले जा करके पंडित रघुनंदन चौबे गुरु जी के पास कुश्ती सिखावे ले गईलन, दाव सिखावे ले गईलन। तब हेल का मास्टर वे गीत हो अरे हीरा जला दा हो, अरे हीरा जला दा, अरे हमारा पाया जे बड़ा जहीरा जला दा, लेकिन भाव में कहना है लागी जब माटी हो, अरे लागी जब माटी ही, अरे चमक जाई दैया लागी जब माटी, अरे चला से गुरु जी काई बात खाटी ही, चमक जाई दैया लागी जब माटी। गुरु जी ले जा करके अखाड़े में ओ श्रीपाल सिंह के ताव सिखावत हुए। कैसे सिखौले मास्टर अरे राजा कुंवर के जब आईल जवानी और छलक लगल जब बादलिया पर पानी, हे गुरु जी दाव सिखावत हुन की बेटा ऐसे मरबत ऐसे पटकाई और ई दाव लगी बात ऐसे पटकाई। यदि श्रीपाल सिंह के गुरु जी सब दाव बता दिलन कलन की हमार बात सुना, हिंदुस्तान के कोनो कोने जइहा कोनो अखाड़े में जइहा जीत के यहाँ सर ऊंचा करके यहाँ नाम रोशन करके यहाँ सर झुका के मत यहाँ बेटा। गुरु जी का बतिया ख्याल हो गए लेकिन टेरी के अंदाज मास्टर अरे बदनिया बाजरंगी जैसन हो, अरे बदनिया बाजरंगी जैसन तो कुंवर श्रीपाल के चमके पहलवनिया, धीरे धीरे राजा हरिपाल सिंह के कुश्ती से बड़ी के उनके बेटवा श्रीपाल सिंह के कुश्ती चमक गई। अजब उनकर कुश्ती चमक गई है भैया तो एक दिन कुश्ती दंगल रखल गई। कहिया अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल, अरे ये अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल 1940 में होना था, सर जमीन शिमला मंसूरी कुछ पाना कुछ खोना था, गुलाम गौस भारत का नामी, गुलाम गौस भारत का नामी पहलवान तैयार रहा और रोमानिया से चार्ज कर्नस्टाइन भी ललकार रहा। कुश्ती दंगल रखल गई 1940 में, वो अंग्रेज लोग अपने इच्छा से रखलन। यही हिंदुस्तान में एक पहलवान हमारे हिंदुस्तान का जो ने पहलवान का नाम बदल गिल गुलाम गौस, और दूसरा पहलवान
रोमानिया से बुलाओल गिल जार्ज। आज जब दोनों पहलवान बाबूजी इकट्ठा हो गए तो होत का हो वे गीत हो हर घरे का कहानी हो भैया का हो लेकिन भाव में कहना है अरे चल ले देखा भैया दिल में अरे चल ले देखा भैया दिल में हौसला बढ़ाई चीना गारी मुरिहना चीना गारी मुरिहना अरे लोहा से लोहा टकराई चीना गारी देखवैया सोचत हुन कि देखी ला आज अपने हिंदुस्तान का पहलवान जीतला या अंग्रेज जीतला ये सोचत हुन लेकिन कहना हो अरे कुंवर श्रीपाल सिंह के देखने चल है फीजा साथ चित्र प्रावल के प्रताप के संग जीजा अरे गुलाम अरे जाग ली हले अरे हाथवा मिलाई चीना कारी उड़ी है ना चीना कारी उड़ी है ना के करा राही के कर जाई चीना कारी उड़ी है ना वही जनता के बीच श्रीपाल सिंह कुश्ती देखे गइलन और उनके साथ में उनकर बहनोई जिकर नाम रहल चित्त प्रबल प्रताप सिंह दोनों जने साथ में गइलन इधर देखत हुन तहोत का मास्टर गीत का लाइन हो कोनो दुलहिन अपने सेज का दुख सोचत हो अरे पिया परदेसिया ना भावे या गाडावा अरे बिरही बना लबास जारी अरे मरी उड़ी उड़ी जाली या चरिया लेकिन भाईल का मास्टर अरे दे दे के ताली लड़ाई वाला साली जाए ना दे सवा के सानवा रे सोचे मानवा पालवनावा बाबू दाओ
क्या हो रहा है? बराबरी पर दाव पे दाव जब होत बा तो कुछ टाइम के बाद भइल का, अरे आपन पानी दोनों लियाला बचाई, अरे छुटी गई ले कुश्ती बराबर पर भाई। धीरे धीरे दाव पे दाव बराबरी लड़ाई हो गई। दो मिनट बीतल, तीन मिनट बीतल, चार पांच, जब छठवां मिनट बीतल तब देखवैया लोग सोचते बा और इधर रेफरी सोच गए कि आखिर ना तो कौनो जीती है ना तो कौनो जा करके बाबूजी रेफरी दोनों पहलवान को अलग कर दिया। और जब दोनों पहलवान को अलग किया है दूर दूर पर भैलन तो जवन चार्ज रहल अंग्रेज ऐलान कैले हो, का कैले हो, पेट भराना लड़ने से, अरे पेट भराना लड़ने से हर दिल में हमारे दर्द यही, लड़कर के हमें पछाड़े जो भारत में कोई मर्द रही, जो हमको कोई पछाड़ेगा, जो हमको कोई पछाड़ेगा हम गुरु उसी को मानेंगे, फिर कभी ना कुश्ती लड़ेंगे, पुरुषार्थ अगर पहचानेंगे। कलन की ऐलान कर देना अखाड़े में, कोई माई कलाल नहीं है जो आके हमसे हाथ मिला ले, ये लड़ाई में हमको हरा दे। अगर जे लड़ाई में हमके हरा दे हम ओके गुरु मान ले, और तब से हम कुश्ती जिंदगी में ना करब, वही गुरु का पूजा कर खाली कहना है। छाया सन्नाटा दंगल में, अरे छाया सन्नाटा दंगल में है खतरा भरी चुनौती है, कुंवर श्रीपाल सिंह उछल पड़े ना कुश्ती तेरी बबौती है। ऐलान सुनलन श्रीपाल सिंह उछल के अखाड़े में चल गेलन, कलेक्टर खबरदार खबरदार तोरी हिम्मत, एक बात कहलन, का कहलन मास्टर, का एक बात कहलन, का कहलन, अरे गर जाए कुंवर श्रीपाल सिंह इखारा दे तबा, इखारा दे तबा तावा सेरावा का सामने सियार दे तबा। गरज पड़े क्रोध में आके कहा, हमरे गली में आके, हमरे हिंदुस्तान में आके,
ऐलान करता है तू तेरी ये जुर्रत कहलन का। अरे भारत में गली गली बाटे पालवा न हो, अरे मुकवा पर बल जाया बल हनुमान हो। तेरवा का सामने सियारा दे तबा अखाड़ा तोरे बाप का हो, कुश्ती तोरे बाप का हो। आके तू अगर मई का दूध तू पीले हुए ना दया के हमसे हाथ में हाथ मिला ले। डब्बा का दूध पीला जिंदगी भर। अच्छा हाथ में हाथ मिला ले। अगर तू हमके लड़ाई में हरा देवे तो हजारों पहलवान के हम कतार लगा दे, लेकिन पहले तू हमसे लड़के दिखा कहलन का। चौलरिया का लाइन हम आज कर माटी माटी यारे हमारे रामा माटी होई है जो रजवनिया जाई वतन के पनिया या जवैया बजनिया ना। लेकिन वही अखाड़े में हाथ जोड़ के याद कैले हुन श्रीपाल सिंह। अरे भगत राज कुंवर बजरंगी तोहरा बिना कोई ना संगी, तोहरा बिना कोई ना संगी, सब दिन कैली नाथ पूजनिया कहिया बाह पूजई बा सनिया याद होइया बजनिया ना। पाल सिंह खड़वा में मनावत हुन की हे वीर बजरंग बली सब दिन तो के याद कैली नाथ, सब दिन हर शनिचर के तो के लड्डू चढ़ौली अगरबत्ती देखौली, हमेशा तोहार पूजा पाठ हम कैली, लेकिन आज आज हमके इतना शक्ति दा कि आज हमें मोटका का उठाई के यही अखाड़े में पटक दे। जब वीर बजरंग बली का याद कैले हुए भैया तो देखे श्रीपाल सिंह के कई गुना शक्ति हो गई। पहपट में कहना है हुआ नहीं भारत वीरों से खाली ताली बाज तबा। अरे चित्र प्रबल प्रताप सिंह रामपुर जालन का राजा हो, आने के खा
सही तका जा हो। अरे सुर के बाप बहनोई का डिराली ताली बाजत बा। और चले बचाने श्री पाल सिंह लाल ताली बाजत बा। अखाड़े में देखलन श्रीपाल सिंह का बहनोई चित्र प्रबल प्रताप सिंह जनता के बीच खड़ा होकर देखत हुन। आवाज दिए केरे बेटा आज ये मटका के उठा के तू पटक दे। आज अपने हिंदुस्तान के लाली जाए न पावे, अपने देश का लाज रख ले बेटा। ए बाबू इधर देखे में तांगरे जैसन बा ऐसन बा कि पहले पहले तो जे सोचे कि चल के हमारे जोर आजमाइस कर ले तो कर हिम्मत न पड़ा। लेकिन बहनोई का बतिया सुन के श्रीपाल सिंह आग बबूला हो गए। सुचलन के अगर हार जाओ तो हमार बहुत भारी बदनामी हुई। यह सुचलन कैलन का मास्टर आल्हा में तहना है। कर ए बाबू ज्यादा ना 6 मिनट लगल। 6 ही मिनट में श्रीपाल सिंह ओ अखाड़े में और चार्ज अंग्रेज का टंगिया पकड़ के वीर बजरंगबली का याद कहके अजब उठा का पटका ने जब टंगिया उठा के पकड़ पटकलन हो वही अखाड़े में अंग्रेजवा दांत चियार ललस लगल हुल्ल हुल्ल मुहे से खून फेंक। अच्छा ऐसे ही फेंकला। ए बाबू इधर जे जे देखत हो भैया इतना खुशी होत हो इतना खुशी होत हो
माला पुरस्कार से सम्मान लोग किए। श्रीपाल सिंह का भारी जयकार होने लगा, लोग जयकारा लगावत हुन कैसे मास्टर। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की जयकारा लगत बा। 1984 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान हुआ, आज के राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाला, ओके दुनिया को सब खुशी मिल जाले। जब लौट के अपने जौनपुर दरबार में ऐलन हो, दूर दराज से लोग जे सुनले हो सब स्वागत सम्मान करत बा, सब ही स्वागत करत बा। कुछ दिन धीरे धीरे बीतल बा, श्रीपाल सिंह के दिल में एक बात बसल। कौन बात बसल मास्टर, आखिरी लाइन में कहना है। जब कुछ दिन बीतल, श्रीपाल सिंह सन्यास ले लिए, और दिल में यह बात बसल। कौन बसल मास्टर, अरे गौरी शंकर मंदिर पर कैले बसेरा हो, अरे कुटिया बना के राजा साहब डाल डेरा। उनके दरबार के कुछ दूरी पर एक मंदिर हो, जहाँ की भोलेनाथ माई पार्वती के भक्ति भाव में लौलीन हो गए। उनके भक्ति भाव में दिल मन आत्मा लगा लिए, सोचलन क्या आखिर बुढ़ाई अवस्था में अब कौन खुशी चाहिए। बुढ़ाई में लोग ज्यादातर से भक्ति भाव में करला, भक्ति भाव शुरू कर दलन। लेकिन इधर एक दिन चेला लोग सोचत उनका, अरे धन्य ओ राजा साहब धन्य उनके ईमान हो, अरे सबके बनावल चाहे नामी पहलवान हो। चेला लोग याद किए हैं बाबूजी, कलन की धन्य हो राजा साहेब धन्य हो, हमने के सिखा देला आगे बढ़ा देला। लेकिन एक ही काम बढ़िया ना कैला, जौन हमने के छोड़ के कुछ दूर पर बसेर ले लेला। याद करके एक दिन सब चेला गुरु के पास पहुँचल, श्रीपाल सिंह के पास, ओ माई पार्वती भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचल हो। जब पहुँचलन भेंट मुलाकात भइल, धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, तब हिल का मास्टर, अरे 2008 आयल 18 दिसंबर हो, राजा साहब स्वर्गवासी हुए जागा तज कर हो, अरे पुत्र बाबा जैसे गति हले अगनी दानावा, राजा साहब पर सन्यासी बितावे दिन।
2008 18 दिसंबर को बाबूजी राजा साहेब का स्वर्गवास हो गया। ये सुन करके श्रीपाल सिंह के पोता जिनका नाम बताया गया जय सिंह, वही जा करके आखिरी में मुख्य अग्निदान किए, यही से हमारे बिरहा समाप्त भई। लेकिन आखिरी लाइन में कहना मास्टर, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरु तारी स्वर्ग बच्चे कबीर चंद्र क्या बच्चर जी बने पुजारी हो। बदरिया बाजारंगी जैसन